नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से सभी जातियों के इतिहास पर चर्चा की जाती है, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जो ना आपको अच्छे लगते होंगे ना ही मुझे। और ये चैनल जो है वो जातिवादी भावना के साथ नहीं बनाया गया, ये चैनल भारत की एकता और अखंडता और जितने भी मेरे ऐसे जाति के लोग, ऐसे इतिहास वाले लोग जिनका इतिहास दबा रह गया, उनको आगे बढ़ाने के लिए चैनल बनाया गया। तो इस वीडियो में मेरे एक मित्र ने मुझे कमेंट किया था, कमेंट आप देख सकते हैं कि कुर्मी कुर्मी रहेगा, आपके पंडित कहने से पंडित नहीं हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर इनको जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। इतिहास में आपको पता है कि अंग्रेजों का शासन भी रहा, मुगलों का शासन भी रहा, तो ऐसी जातियां जिन्होंने अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ आवाज उठाई, उनको उन्होंने नीचे जाति में डाल दिया और उनके बारे में दुष्प्रचार किया गया। उसी इतिहास को मैं पुनः आपके समक्ष रख रहा हूं, वो भी प्रमाणों के साथ। इस चैनल पर भी आप हर जातियों के इतिहास से मिलता जुलता वीडियो रहता है। मेरा एक चैनल और है जहां आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे सपोर्टर हैं। जय भारत जय के नाम से चैनल है। इस चैनल के आप मेरे चैनल को क्लिक करेंगे, उसमें चैनल्स पे जाएंगे तो आपको मेरे सारे चैनल, मेरे 4-5 चैनल है। एक चैनल है जिसपे मैं पर्सनल ब्लॉगिंग करता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ, उसमें महादेवा ब्लॉग एक चैनल है। मेरे चैनल्स में जाके आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा एक चैनल और है, महादेवा ब्लॉग्स। उसके अलावा एक ऐसा चैनल है जहां पर मैं मेडिकल साइंस से रिलेटेड चीजों को एक्सप्लोर करता हूं। तो दोस्तों, इस चैनल पे मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं, मैं सिर्फ वो बात करता हूं जो हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं ना कहीं प्रमाणित तौर पे, प्रमाणित रूप में रहा है। और गुलामी के बाद किसी ना किसी को आगे आकर छुपे हुए इतिहास का प्रकाश जानना पड़ेगा, क्योंकि एक कालांतर में समय रहा है जब हम सभी सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि बिना गुलामी के हम सुखी नहीं थे? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, यानी कि जब हम गुलाम हुए तब हम सुखी हुए। आप जो लोग कमेंट कर रहे हैं उल्टा सीधा, वो ये बताना चाह रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं कि इससे पहले सब धूर्त लोग रहते थे हिंदुस्तान में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप सभी से करवा निवेदन है, क्योंकि मैं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाता हूं, तो मेरे सब्सक्राइबर का मैं व्यूज 1.5 मिलियन, 1.8 मिलियन व्यूज बहुत अच्छे रहते हैं। तो अब मैं उस भाई को जवाब दे देता हूं, भाई कुर्मी कुर्मी ही रहेगा और इतिहास में कूर्म क्षत्रिय ही था वो। वही बात तो मैं कह रहा हूं, कूर्म क्षत्रिय का इतिहास है, वो एक क्षत्रिय वर्ण का, क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं, उसको बदलने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके असली इतिहास को उसके समक्ष रखा जा रहा है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप कुर्मी के बारे में उल्टा सीधा बोलकर आप कुछ हासिल कर लेंगे, तो ये आपकी धूर्तता है, ये आपके संस्कार है, आप बस इतने ही के लायक हैं। आप जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनका जवाब है ये। तो आपके मैं पंडित नहीं बना रहा, मैं क्षत्रिय नहीं बना, जो उसका वर्ण है मैं सिर्फ वही बता रहा हूं कुर्म क्षत्रियों को। तो कुर्म क्षत्रिय भाई अगर उस कमेंट को तक पहुंच पाए, मेरे पिछले वीडियो पे ये कमेंट था, तो आप भी जवाब दे सकते हैं। और मैंने ये जवाब वाला वीडियो भी बनाया है, मैं कूर्म क्षत्रिय को कूर्म क्षत्रिय ही जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि लौकुश वंशी कूर्म क्षत्रिय थे, मैं जानता हूं कि मराठा का क्या रोल था, मैं जानता हूं कि पाटिलों का क्या रोल है, मैं जानता हूं कि दक्षिण भारत में कम्मा प्रजाति किसे कहा जाता है, मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में अवधिया कूर्मी कहां पाए जाते हैं, मैं जानता हूं कि अवध प्रांत क्षेत्र में कूर्म क्षत्रिय कहां होते हैं, मैं जानता हूं कि रामाधीन इंटर कॉलेज कहां है, मैं जानता हूं कि कूर्म क्षत्रियों के कितने राजा रहे हैं। तो ये सब चर्चा है जो इस चैनल पर मैं करता हूं, लेकिन मेरा जातिगत कोई व्यवस्था के ऊपर मैं किसी भी जाति को छोटा नहीं मानता। एक विद्वान होने के नाते मैं किसी भी जाति को छोटा नहीं मानता, और मैं ये मानता हूं कि हमारे साहित्यिक या हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में या हमारे किसी भी धर्मशास्त्र में किसी भी जाति को छोटा बड़ा नहीं बताया गया है। और जिन लोगों के बारे में चर्चा की गई है, वो दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग मलेच्छ हैं, बहुत सारे लोगों को राक्षस लिखा गया, बहुत सारे लोगों को दानव लिखा गया, तो ऐसे लोग दुनिया में हैं, उनके बारे में हमारे शास्त्रों में चर्चा मिलती है। लेकिन जो वैदिक क्षत्रिय हैं, उनको क्षत्रिय कहने का अधिकार मुझे है, और वो स्वयं रखते हैं ये अधिकार कि वो अपने आप को क्षत्रिय बुला सकें। इसी कुछ चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे आपको ऐसे ही बढ़िया वीडियो मिलते रहेंगे, तब तक के लिए राम राम।